आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कौशाम्बी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा एक बार फिर से गदर मचाने के लिए लौट रहे हैं। अनिल शर्मा के निर्देशन में बन रही इस फिल्म की तस्वीरें अक्सर सामने आती रहती हैं। अब फिल्म की कहानी लीक हो गई है। कहा जा रहा है कि इस बार तारा सिंह अपनी पत्नी को लेकर नहीं, बेटे को लेने पाकिस्तान जाएगा। 2001 में रिलीज हुई फिल्म गदर एक प्रेम कथा में तारा सिंह की पत्नी सकीना को उसके घर वाले पाकिस्तान लेकर जाते हैं। उसे वापस लाने के लिए तारा सिंह वहां गदर मचा देता है। एक बार फिर तारा सिंह पाकिस्तान जाएगा। इस बार उसके बेटे जो इंडियन आर्मी में सिपाही है उसे लेने जाएगा। खबरों के मुताबिक कहानी 1971 में हुई भारत पाकिस्तान वॉर के इर्द गिर्द बुनी गई है। इस बार फिर से सनी देओल के बेटे का रोल उत्कर्ष शर्मा ने निभाया है, जो फिल्म के निर्देशक अनिल शर्मा के बेटे हैं। ये कहानी बूटा सिंह के वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित है। ये एक विश्व रिकॉर्ड है। एक समय था जब गदर के 10 करोड़ टिकट बिके थे। लखनऊ के बिना गदर 2 संभव नहीं होती। हमने सोचा भी कि लखनऊ में बहुत शूट कर लिया, अब कोई नई जगह जाया जाए। राजस्थान का नाम भी दिमाग में आ रहा था कि वहां अच्छे लोकेशंस मिलेंगे, पर अंत में समझ आया कि लखनऊ का कोई विकल्प नहीं है। गदर की कहानी लखनऊ को पुकारती है। हम जब लखनऊ आए तो लगा लोग जैसे गदर का इंतजार ही कर रहे थे। शासन और फिल्म बंधु के साथ ही लोगों का भी खूब सहयोग मिला। हमने शूटिंग के लिए छोटा इमामबाड़ा और घंटा घर समेत कई जगहों को पूरे दिन ब्लॉक किया। मंदिरों से लेकर मस्जिदों के पास भी फिल्मांकन किया। कहीं कोई विवाद नहीं हुआ। लखनऊ में शूटिंग का हमेशा एक आनंददायी अनुभव रहा। सोनी राजदान ने साझा किया, मुझे जो एक प्रोजेक्ट ऑफर किया गया था वो गदर था और मैंने उस समय इसके लिए मना कर दिया था। किसी अन्य कारण से नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं स्टार प्लस के लिए अपना शो एक दिन प्रोड्यूस कर रही थी। मैं डेट के मुद्दों से निपट रही थी, मैं अभिनेताओं की तारीख के मुद्दों से निपट रही थी और मुझे शूटिंग के लिए लखनऊ जाना था। मुझे सद्भुत परियोजना की शूटिंग के लिए लखनऊ जाना था, जिसे मैंने इनकार कर दिया था। अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित एक आगामी 2023 भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। 2001 में रिलीज हुई फिल्म गदर का सीक्वल है। मूवी में इस बार तारा सिंह अपने बेटे चरणजीत के लिए पाकिस्तान जाएगा। फिल्म का निर्देशन अनिल शर्मा ने किया है। इसमें सनी देओल के अलावा अमीषा पटेल, उत्कर्ष शर्मा, मनीष वाधवा और सिमरत कौर जैसे सितारे भी नजर आएंगे। गदर 2 फिल्म 11 अगस्त 2023 को रिलीज होगी। सनी देओल ने जैसे ही अपना तारा सिंह का लुक शेयर किया, उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। एक्टर की तस्वीर ने फैंस को गदर की यादों में खोने के लिए मजबूर कर दिया। पोस्ट पर कमेंट करते हुए कहा, हिंदुस्तान जिंदाबाद, मैं गदर 2 के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। सर आपको ढेर सारा प्यार। एक अन्य यूजर ने लिखा, सबसे धाकर और बेस्ट एक्टर धर्मा जी और आप हैं, बाकी सब फेल है पूरी इंडस्ट्री में। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।